नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ शहडोल संभागीय सम्मेलन बांधवगढ़ में आयोजित। भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने सम्मेलन में पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू होकर सम्मेलन में भाग लिया। उमरिया जिले के भारतीय जनता पार्टी के भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ शहडोल संभागीय सम्मेलन बांधवगढ़ में प्रांता अध्यक्ष श्री सन ऑफ भदौरिया जी के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर शामिल हुए, जिसमें श्री पांडे पत्रकारों से रूबरू होकर कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने कहा कि आज के दौर में पत्रकारों के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनका सामना करते हुए पत्रकारों को अपना पत्रकारिता धर्म निभाना होता है। निस्वार्थ भावना से काम करने वाले पत्रकारों को कई आरोपों से भी जूझना पड़ता है, इसके बावजूद पत्रकार अपनी निस्वार्थ पत्रकारिता कायम रखता है। पत्रकारिता एक ऐसा जोखिम भरा काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। पत्रकारों के भीतर एक जज्बा होता है, पत्रकार आम लोगों की आवाज बनकर उभरता है, लेकिन यही पत्रकार अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। पत्रकार अपने परिवार के साथ साथ दूसरे के परिवार की चिंता ज्यादा करता है। सकारात्मक पत्रकारिता से समाज में सकारात्मक सोच पैदा होती है और पत्रकार हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। श्री पांडे ने कहा कि मैं भी पत्रकारिता 2000 में शुरुआत की और मैं 2001 में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का सदस्य भी बना। मैं कई वर्षों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा, उसके बाद मुझे पार्टी द्वारा जिम्मेदारी दी, उसका मैंने निर्वहन कर रहा हूँ। पूरे आयोजन मंडल को धन्यवाद ज्ञापित किया। उमरिया से सुनील द्विवेदी की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए सीआईडी न्यूज के साथ।